भाई राम राम सारिया ने। आज मैं सो के उठा शाम को 6 बजे, ठीक है। आज का व्लॉग बनाया नहीं था, तो अब स्टार्ट किया है। दिखाता हूँ एक चीज आपको, बताना क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैं इनसे पूछ के खुद ही बताऊंगा, ये खुद बताएंगे आपको क्या है आज जिस चीज़ की ये पूजा कर रहे हैं। होगी कंप्लीट मम्मी की पूजा। ये तुलसी माता है, ये गुन्नो बैठी, ये मम्मी बैठे, ये लेंटर पे, ये नीचे को बहुत खाई है। कहाँ मंदिर जा रहे हो आप? है मम्मी चले? मेरी बात का जवाब नहीं देंगे? हाँ। मंदिर जा रहे हैं? हाँ। अच्छा बता दो, यहीं बैठे बैठे क्या है आज? आज तुलसी विवाह। तुलसी विवाह है आज, है गुन्नो? हाँ। तब पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या प्रक्रिया हुई? प्रक्रिया इसको माता का श्रृंगार करते, पूरा माता जी का श्रृंगार किया पूरा, तुलसी माता जी का श्रृंगार करते, भोग लगाते खीर पूरी से, फिर पूरी से भोग लगाते, श्रृंगार करते, सारा कुछ सेंट भी लगाते माता को। अच्छा। फिर चूड़ी बनाते, फिर एक चुन्नी लाल चुंदर चढ़ाते माता को। अच्छा, फिर अब मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर जा रहे हैं। आज दूसरा भी तो है कुछ आज? और फिर आज एक देवठान है। देवठान आज से, मतलब हमारे उसमें ना हिंदू रिवाज में ब्याह स्टार्ट हो जाते हैं। आज से ब्याह स्टार्ट हो जाते हैं? ब्याह स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। देव उठते हैं आज के दिन। अच्छा। और देव उठने का मतलब होता है कि आज से सारे ब्याह खुल जाते हैं, मतलब ठीक है जी, शादी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप मंदिर जा रहे हो? इसीलिए कि 15 दिसंबर तक ना इंडिया में 35 लाख शादियां होने वाली है। ओ तेरी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? तुलसी विवाह हुआ ना, तो आज तुलसी की शादी हो गई, आज के बाद ना सबकी पूरे ब्रह्मा में शादी शुरू हो जाएगी। तो आपने पूजा कर ली? मैंने पूजा कर ली। आपने तो मांग लियो ना 1.5-2 करोड़ रुपए? जय माता दी, है ना? मम्मी ने तो 1.5-2 करोड़ रुपए मांग लिए तुलसी माता से। अभी एक और चीज दिखाता हूँ, कुछ और भी किया मम्मी ने भी किचन में। अभी मंदिर जा रहे हैं ये। हाँ सुन लो भाई, जो जो कर रहे हैं ये तो कल देखेंगे मम्मी, पर ये तो सारे वीडियो भी इनको क्या पता लगेगा यार। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए। नहीं, ये बड़ा वाला है, इस पर बड़ा वाला विवाह, बड़ा वाला कैसे होता है? विवाह तो विवाह ही होता है ना। भोग लगा के और फिर 108 बार ओम नमो नारायण वासुदेवाय। ठीक है जी, समझ गए। तो फिर नमः। ठीक है, तो फिर जय सनातन धर्म। चलो आ जाओ। ये देखो मम्मी ने कुछ ये भी बनाया है आज देवठान के दिन। क्या क्या होता है मम्मी, समझा तो दो। देवठान क्या क्या है ये? सरोवर का सुन से। हाँ चलो बताओ। देवठान ये कैसे पांव जैसे बनाया है? ये घर में ऐसे 5 मेंबर है ना, तो 5 मेंबर के पैर बनाए जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे बच्चे जाते हैं ना, फिर इसमें पूजा करने के बाद। हाँ। फिर इसमें कोई बच्चा नहीं, रात को सारे सो जाएंगे। उसके बाद हम टोकरी लेंगे, दीवा जलाएंगे, धूप बत्ती करके जो कम पकवान बनाया उसको रख के और फ्रूट वगैरह रख के पूजा करके टोकरी से कर देंगे बंद। अच्छा, फिर सुबह उठाएंगे उस टोकरी को, और उस दौरान कोई बच्चा नहीं आना चाहिए इसके अंदर। और जब आ गया बच्चा, आना ही नहीं चाहिए ना। और जब आ गया, आ गया तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो होती नहीं है क्या, उनसे वाइट वाइट पूरा वाइट हो जाता है। अच्छा, कुछ खतरनाक है। हाँ चलो भाई, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ है। आगे पीछे तो ऐसा नहीं है, अपने अपने रिचुअल्स हैं। जैसे हम आगरा और बुलंदशहर यूपी में लगता है ना, तो वहाँ पे तो ये सारा मनाया जाता है। हाँ। वहाँ के रिचुअल्स है ये, हिमाचल के कुछ अलग होंगे, पता नहीं हमारे को। ये हमने वहाँ का दिखा दिया, मतलब हमारे को ऐसा ही होता है ना मैम, तो दिखा दिया है हमने। ठीक है जी, कह रहे तो हमारे सारे त्योहार बताएगा। ये बताओ कहीं तू पीछे, इसको मैंने बोला सनस्क्रीन लेके आइयो, मगर तू नहीं लगाई। नहीं बोला तूने सनस्क्रीन, फिर मैंने तेरे को, तेरे मेरे को विटामिन सी के लिए बोला। मैंने बोला तू नहीं लगाई। नहीं मैं नहीं लगाती हूँ, मैं ना बेसन से मुंह धो लेती हूँ। चलो हाँ, तुम घर के नुस्खे। हाँ जी, चलो चलो फिर मैं थोड़ा सा और सो लेता हूँ, है ना? सो दे, मंदिर जाके आओ भाई। ये देखो तुम, जिंदगी में पहली चिप बनाया, जिंदगी में पहली बार खाए मैंने ये। है पता क्या ये? बनाना चिप्स पहली बार खाया मैंने जिंदगी में, बढ़िया है यार, मजा आ गया। पर मैं एक खा के ट्राई किया तो मेरे को बढ़िया लगा, मैंने पूरी कटोरी रख ली। है अम्मा बढ़िया लगे? हाँ बढ़िया है ना। हाँ लद्दे लद्दे खाओ, वीडियो बन रही है आपकी। गुन्नों ला के दिया, बढ़िया चीज लाई है। टटिया तो नहीं लग जाएगी खा के? आलू की नहीं है, केले की है। खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोलेक पाउडर है मेरे पास भाई, एक नंबर चीज है।
किसी को डाई सेंट्री लग रही हो, स्पोल एक पाउडर ले आओ, पीजे वालों ने लिखा था मुझे। गोभी की खा ली, गोभी पूरी ना खानी थी तने। कोई चक्कर नहीं, खा जाओ तुम। जा बाकी भाई, नेक्स्ट डे तुम्हारे को मेरा फेस ज्यादा खराब नहीं लग रहा? दूसरी वीडियो में देखना, पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या बोलूं, बहुत परेशान है यार, क्या बताए तुम्हारे से क्या शेयर करें हैं। यार मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब स्पेशली गर्ल्स, वो देख रही है तो बताए ना आंसर करना जो देखेगी। यार तुम मतलब क्या ही बोलूं, मतलब सारी गर्ल्स नहीं पर कुछ, क्या पता नहीं मुझे, पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार लड़कों को, मतलब कि बहुत वो है ये, जैसे हमें कहीं जाने नहीं देगा, हमें हमारा जाना इसको कहीं पसंद नहीं है, ऐसा माइंडसेट वाला क्यों सोचते हो मेरे को? हाँ कई जगह पे, कई कई जगह पे हम होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पोजेसिव बोल लो, क्या बोल लो यार, कई जगह पे हम नैरो माइंडेड ही बोल लो यार तुम, और क्या, कई जगह पे बहुत नैरो माइंडेड भी होते हैं हम, कुछ ऐसी जगह होती है कि हमारे को वहाँ जाना जो, मतलब जो हमारी है उसका वहाँ जाना पसंद नहीं आता है ना, पर ऐसा नहीं होता कि हर जगह ही जाना उसका पसंद ना हो, ऐसा भी नहीं होता ना। अब अगर कहीं लड़की जा रही है और लेट हो जाए तो उस बात पे गुस्सा तो आएगा ना, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना यार कि हमारे को तुम्हारा वहाँ जाना ही पसंद नहीं था, तुमने इतना मतलब वो चीप थिंकर बना दिया दूसरे इंसान को कि तेरे को तो मेरा जाना ही कहीं पसंद नहीं आता है, तेरी ये थिंग है, तू इस बात पे मेरे से लड़ रहा है क्योंकि तेरे को वहाँ मेरा जाना ही पसंद नहीं था, मतलब ऐसा तो माइंडसेट भी नहीं था हमारा, तो फिर ऐसा भी सोचती है लड़कियाँ, कई चीज़ें होती है यार, जैसे लड़की रात को क्लब में जाएगी अकेले तो वहाँ तो उसका बंदा बोलेगा ही ना यार नहीं क्यों, ठीक है, या लड़की कई जगह पे छोटे कपड़े पहन के जाएगी है तो लड़के को गुस्सा आएगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, फिर वैसे तो हम जिसके लिए सीरियस नहीं है जो मर्जी करे वो पट्टी में झुक जाए, पर जब इंसान किसी के लिए सीरियस हो गया है ना तो फिर वो मेरा है और वो सिर्फ मेरा ही है, तो फिर हम लड़के हैं, हमारे को पता है कि दूसरा लड़का क्या सोच रहा है और क्या सोच सकता है, ठीक है, ये लड़कियां नहीं समझ सकती, तो हमारे को करेक्ट करने की बजाय थोड़ा खुद दिमाग लगा लो है ना। बाकी नैरो माइंडेड या चीप थिंकर या बिलो द बेल्ट सोच के तुम यूं बोल दो कि ब्लॉक कर दो, एट द एंड यही करेंगे ना फिर लड़कियां, ब्लॉक कर दो या मैं ब्लॉक कर रही हूँ, तो एक बार दो बार तीन बार, ज़्यादा बार होएगा फिर अगर लड़के ने जाने दिया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, चलो तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ेगा लड़कियों को, छोड़ो इस बात तो को यार, कुछ और बात करते हैं, क्या बात करें, अभी मैं गया था थोड़ा सा बाहर तक, कलेश हो गया था यहाँ घर के पास भी, चाचू का ही मेरे, फिर उसका बैंक गया मम्मी जी के पास, मूड ऑफ हुआ हुआ, सारा दिमाग खराब हुआ हुआ, ख़त्म कर दो इस वीडियो को, इससे अच्छा यहीं पे, बाय, राम राम सभी को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, ऑलरेडी क्या कमेंट कर देना ढंग से, या तो मैं बता नहीं पाया क्या बोल रहा, जो भी है बस, ठीक है यार, बाय।